गायत्री महामंत्र एक बार मेरे ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के अनुभव, योग्यता उसके विचारों में होती है, वही उसका प्रमुख साधन होता है। विचार ही व्यक्ति का प्रमुख साधन होता है। जैसे प्राण से शरीर चलता है, बिजली से चलने वाले साधन चलते हैं, परमात्मा ने चलाने के लिए इस संसार को प्राण पैदा किया है। परंतु प्राण को भी गतिशील करने के लिए विचार दिया है। बिजली से गाड़ियां चलती हैं और दूसरे साधन चलते हैं। ठीक इसी तरह से प्राण से शरीर और शरीर के अंदर के अंग अपने काम को करते हैं। परंतु व्यक्ति जो अपने काम को करता है वो विचार से करता है। शरीर को गति देने की ताकत, भावना को गति देने की ताकत, मन को गति देने की ताकत विचार के अंदर है। व्यक्ति जैसे इन्वर्टर को, मोबाइल को, जो चार्जेबल आइटम है उनको चार्ज करता है, वैसे ही व्यक्ति अपने विचार से अपनी शक्ति को चार्ज करता है। अगर सचमुच व्यक्ति अपना मूल्यांकन करे, अपनी समीक्षा करे, किस सीमा तक का साहस उसके अंदर है, तो वो उसके विचार पर निर्भर करता है। वो उसके विचार पर निर्भर करता है। विचार ही उसकी चेतना को गति देता है। व्यक्ति को जितनी ऊंची छलांग लगानी हो, उतनी ऊंची सोच भी उसकी चाहिए। निष्कर्ष एक निकल करके आता है, विचार में प्रेरित करने वाली ताकत है और विचार में ही पतन करने वाली भी ताकत है। अगर संसार की कोई ताकत है वो विचार है। ईश्वर ने जो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम इस दुनिया में बनाया है वो इस इंसान के लिए बनाया है। जो सर्वश्रेष्ठ है वो इंसान के लिए है। क्यों इंसान के लिए है? क्योंकि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहां पर एक बात, एक मोड़ पर आते हैं। क्या आपको इसमें कोई संशय लगती है कि संसार में जो भी सर्वश्रेष्ठ है,
जो ईश्वर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता था वो इंसान के लिए बनाया है, इसमें कोई संशय है क्या? अगर नहीं तो व्यक्ति निकृष्ट क्यों खाता है, पाप को क्यों खाता है? उसका कारण उसका विचार है, उसका कारण ही उसका विचार है, विचार से ही व्यक्ति श्रेष्ठ है और विचार से ही व्यक्ति निकृष्ट है। समीक्षा करिए, अपनी समीक्षा करिए और एक निष्कर्ष निकालिए। एक बात साफ साफ सुन लेना, इस समय आप अपने जीवन का दुरुपयोग कर सकते हैं पिछले पुण्यों के आधार पर। यह जीवन चल रहा है पिछले जन्मों के पुण्यों पर, यह जीवन चल रहा है। पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, तब आपको ये पता लगेगा जीवन की कीमत क्या है। हमारे विचार ही हमें निकृष्ट की तरफ लेकर के जाते हैं। अपने निर्माण में अपनी सामर्थ्य को जुटाना है। अंदर से सुन लेना बात को, अपने निर्माण में अपनी सामर्थ्य को लगाना है और अपनी समीक्षा करनी है। विचार के अंदर जो कमी है, जो बुराई है, उसको निकाल करके बाहर करना है। यदि ऐसा नहीं किया गया, वस्तु स्थिति की उपेक्षा की गई, केवल हवाई महल बनाए गए, तो एक बात समझ लेना, सेक चिल्ली की कहानी आपने सुनी है, जो बड़ी हंसी उड़ाने वाली, मजाक उड़ाने वाली कहानी है, जिसमें एक मजदूर तेली के यहां नौकरी करता है। घड़े में तेल भर करके बैठता है के विचार में खो जाता है, विचार में खो जाता है। और क्या विचार में खो जाता है? मैं भी मेहनत करूंगा। और मेहनत करके मालदार बनूंगा। जो पैसे मजदूरी से मिलेंगे उससे एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे दिया करेगी, उसके अंडे बेचूंगा, पैसे जोड़ूंगा, फिर एक गाय खरीद करके लाऊंगा, उसका दूध बेचे करूंगा, फिर एक शादी कर लूंगा और शादी करके अगर पत्नी सेवा नहीं करेगी तो उसको लात मारूंगा। सपना देख रहा था, लात लगी जाकर के तेल के घड़े में, और लात लगते के साथ ही घड़ा फूट गया, तेल बिखर गया। मालिक ने मजदूरी भी नहीं दी, लताड़ दी और नौकरी से निकाल दिया।
कहीं ये भगवान का दिया हुआ अवसर उस सेक चिल्ली की तरह से हम केवल काल्पनिक कल्पनाओं के अंदर खो करके इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए अपने इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही बर्बाद ना कर दें। बहुत से लोग तरह तरह के सपने देखते हैं, विचारी तो है, ये विचारी तो है, विचार को निखारना है, आत्मविश्वास की कोरी परवंचना लेकर के व्यक्ति उसको साकार करने की कोशिश करता है। किंतु इस क्रम में वस्तु स्थिति की उपेक्षा करने के कारण अंततः हाथ मलते हुए रह जाता है। हाथ मलते हुए रह जाता है, इसलिए अपने आप के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति, अपने विश्वास के प्रति उस भाव को जागृत करने की आवश्यकता है, उस विचार को लाने की आवश्यकता है जो आपके अंदर आत्मविश्वास को जगा दे। जैसा अभी कुछ देर पहले बताया है अपने अनुभव, अपनी योग्यता अपने अंदर छुपी है, अपने अंदर निहित है, विचारों में, अपने विचार के अंदर निहित है। साधक के लिए वो ही साधन है, विचार ही व्यक्ति के लिए साधन है। हां सुदेश बेटा, विचार से ही व्यक्ति गिरता है, विचार से ही व्यक्ति गिरता उठता है, विचार से ही व्यक्ति योग्य बनता है, विचार से ही व्यक्ति भगवान को बुलाता है, विचार ही भगवान तक जाता है। हमें विचार की सच्चाई के साथ जुड़ना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। आत्मविश्वास वहीं से जगेगा। जिन कारणों से हमारे जीवन का विकास रुका हुआ है, जरा अंदर से देखना। सहयोग, सहयोग, सहयोग। सहयोग की कमी, और सहयोग किससे? पहले विचार जुड़ते हैं, पहले विचार के साथ विचार जुड़ते हैं, उसके बाद सहयोग की प्रक्रिया शुरू होती है। सोचिए, अगर आप वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, कलह, द्वेष, ईर्ष्या, कुंठा, इन सब से दूर जाना चाहते हैं, तो विचार ही तो है। विचार से ही आप ऊंचे उठ सकते हैं, और कोई साधन नहीं है।
विचार से ही सहयोग जगता है और सहयोग से वातावरण बनता है। उसी से बनता है। जब आपस में तालमेल बनना शुरू होगा, विचारों का तालमेल बनना शुरू होगा, तो अंदर, हृदय के अंदर एक जागरण यात्रा शुरू होगी। गुप्ता जी जैसा लिख रहे हैं, डूबने और तैरने की एक कला है। डूबता वो ही है जिसके पास तैरने की कला नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, विचारों को यदि उत्कृष्ट बनाना है, अपनी रक्षा के लिए तो विचार अपने अंदर पैदा करिए, बाकी विचार दूसरों की भलाई के लिए लगा दीजिए। बाकी विचार सबकी भलाई के लिए लगा दीजिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को लगा देंगे, तो आपके विचार के अंदर शोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। व्यक्ति हर वक्त विचार करता है, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जब उसका मन शांत बैठता हो। इसलिए विचार तो करिए, परंतु किसी की भलाई का, अपने स्वार्थ का नहीं, अपने किसी मतलब का नहीं, सबकी भलाई का करिए। और याद रखना, जिसके अंदर ये भाव आने लग गए, भलाई के भाव आने लग गए, वो अपने विचारों को पुण्य कर्मों के रूप में बो रहा है। वह अपने विचारों को पुण्य कर्मों के रूप में इस दुनिया के अंदर बो रहा है। और सोचो, सब चीज परिवर्तनशील है, परंतु आपका स्वभाव, आप स्वयं जो आपका मूल स्वरूप है, वो परिवर्तनशील नहीं है। आपने ही उसको परिवर्तित किया है। आप चाहें तो अपने मूल स्वभाव, अपने मूल स्वरूप में आ सकते हैं। जीवन उसी का अवरुद्ध है, प्रगति उसी की अवरुद्ध है, जहां विचारों की भिन्नता है। इसलिए इस भिन्नता को मिटा करके सहयोग, सहयोग, सहयोग उसमें लेकर के आइए। अवरोध सामने आ रहे हैं, ये क्या है, क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं, बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। जो दिक्कतें आ रही हैं, वो आपको पक्का कर देना चाहती हैं, आपके खोट, आपकी कमियों को निकाल देना चाहती हैं। ईश्वरीय सत्ता, पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा था, आत्मा और परमात्मा चाह करके भी आपका कुछ नहीं कर सकते।
दुर्बलताओं को दूर करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक प्रगति प्रयास को हमको करना चाहिए। हमको प्रगति के पथ पर चलना चाहिए। सोचिए जो कहा जा रहा है उसके बारे में जरा सोचिए। और ध्यान की तरफ अब चलिए। दिव्य दर्शन प्रातः काल पूर्व दिशा स्वयं सूर्योदय स्वयं सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंत ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन
जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का बेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का बेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, बेधन शोधन जागरण,
सर्चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण चक्र जागरण षट चक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार सत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योति का ज्वाला में विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विश्वसत्ता में ब्रह्म सत्ता में चिन्हगारी का दावानल में ज्योति का ज्वाला में विस्तार विस्तरण जागरण कुंडलिनी जागरण पंचम चरण पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन साधक का सविता में परिवर्तन
ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण, मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, असतो मा सद्गमया, असतो मा सद्गमया, ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमया, मृत्योर्मा मृतङ्गमया, मृत्योर्मा मृतङ्गमया, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार, ओम
समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण। अच्छे विचारों का चिंतन करें, बुरे विचारों को मार भगाएं, आत्म जागरण की यात्रा को शुरू करें, अपने आत्मविश्वास को इस जागरण यात्रा से जागृत करें। आत्म जागृति से ही आत्मविश्वास पैदा होगा, इसलिए अच्छे विचार करें। जप ध्यान योग को साधन बनाएं, विचार जिस तरह से योग में हम साधना करते हैं, कसरत करते हैं, इसी तरह से विचारों की भी कसरत है, उसको करें। अपने आप को जबरदस्त बनाएं। आज की बात संपन्न। बच्चों का आज एग्जाम है, सबके लिए प्रार्थना करना। अभी जब तक एग्जाम चल रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करें, सब हमारे बच्चे आगे बढ़ करके आए, आगे निकल करके आए। आज की बात संपन्न।